हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिट 4 करेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। डिटेल्स देना है आपको अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन इसलिए इसमें मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका वहाँ पर आएगा तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर में लिखना क्या है। तो अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर होगा, या फिर ब्रीफली हाउ वाटर इज स्टोर्ड इन ग्राउंड वाटर रिजर्वेयर, ब्रीफली मेंशन वेरियस जोन, इंपॉर्टेंस ऑफ द जोन ऑफ सेचुरेशन एंड डिसकनेक्शन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको करना क्या है, अकरेंस ऑफ सरफेस सब सरफेस वाटर इसको बोलते हैं, ग्राउंड वाटर को हम सब सरफेस वाटर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, वाटर इन द सॉइल मेंटल इज कॉल्ड सब सरफेस वाटर। सॉइल के मेंटल पे जो प्रेजेंट होता है, आपका मेंटल पढ़ा होगा, क्रोड पढ़ा होगा आपने, तो उसी को बोलते हैं मेंटल, या भू परपटी जिसको बोलते हैं, मतलब सरफेस पे। तो लैंड सरफेस ये हो गई, आपकी फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, ये आपका लैंड सरफेस हो गया। उसके बाद होता है जोन ऑफ एरिएशन। तो जोन ऑफ एरिएशन जो होता है, इसमें आपके इसको तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। जोन ऑफ एरिएशन जो होता है, ये पार्शली सेचुरेटेड रहता है। तो पार्शली सेचुरेटेड मतलब इससे जो पोर्स होंगे सॉइल के, वो पूरी तरह पानी से नहीं फिलअप होंगे, मतलब वाटर से नहीं फिल होंगे। कुछ वाटर होगा, कुछ वाटर द्वारा फिल रहते हैं और कुछ एयर द्वारा फिलअप रहते हैं। तो इसको जोन ऑफ एरिएशन बोलते हैं। और इसमें जो होता है, फिर इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड कैपिलरी फ्रिंज। और ये आपका वाटर टेबल है। ओके, फिर देखते हैं सॉइल वाटर जोन क्या होता है, इंटरमीडिएट जोन और कैपिलरी फ्रिंज क्या होता है। उसके बाद सैचुरेटेड जोन देखेंगे। तो ये आपका जो सैचुरेटेड जोन होता है, ये आपका ऐसा जोन होता है सैचुरेटेड जोन, जहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर जोन भी इसको बोला जाता है। और वहाँ पे जो उसके स्पेस में जितने भी पोर्स होंगे, वो सॉइल से, सॉइल आर फिल्ड विथ वाटर, उसके सॉइल के जो पोर्स होंगे, सॉइल के बीच में जो पोर्स होते हैं, सॉइल के पार्ट के बीच में, पानी से पूरी तरह फुल्ली भरे होंगे सैचुरेटेड जोन में। ओके, सैचुरेटेड जोन में आपके जो हैं पूरी तरह ये फुल्ली, ये सैचुरेटेड जोन है ना आपके, सैचुरेटेड जोन जो होगी जोन ऑफ सैचुरेशन, या ग्राउंड वाटर जोन बोलते हैं, यहाँ पे आपका पानी प्रेजेंट रहता है। इसको अनकन्फाइंड लेयर भी बोल सकते हैं। तो ये इसके जो पोर्स होंगे वो पूरी तरह फिलअप होंगे पानी से, और इसमें जो प्रेशर होता है यहाँ पर, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करता है। जोन ऑफ एरिएशन क्या होता है, जोन ऑफ एरिएशन जो होता है, इसके पोर्स पार्शली सैचुरेटेड, तो मैंने पहले ही बता दिया, लैंड सरफेस और वाटर टेबल मार्स के बीच में रहते हैं दिस जोन। और दिस जोन एरिएशन है थ्री सब जोन, इसके थ्री जोन जोन है, जो सॉइल वाटर जोन है, कैपिलरी फ्रिंज है, इंटरमीडिएट जोन है। तो जो सॉइल वाटर जोन होती है, ये आपके जैसे हम जो पेड़ पौधे क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब क्रॉप्स को जो पानी मिलता है, जैसे जड़ों से, पेड़ पौधों को उनकी जड़ों से फोटोसिंथेसिस के रूप में खाना बनाते हैं, उसमें जब पानी उनको यूज करते हैं, तो इसी के द्वारा, इसी जोन से उनको पानी मिलता है, फिर वो पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए लिखा है इवापोट्रांसपोरेशन लॉस टू द एटमोसफेयर, इवापोट्रांसपोरेशन मतलब इवापोट्रांसपोरेशन के माध्यम से वायुमंडल में वो पानी का लॉस कर देते हैं। ठीक है, फिर कैपिलरी फ्रिंज क्या होती है, कैपिलरी फ्रिंज आपने पढ़ा होगा, कैपिलरी एक्शन, यहाँ पे कैपिलरी एक्शन काम करता है। ये कोई भी भीगी सरफेस होती है, उसके ऊपर कैपिलरी के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण उसके ऊपर वाली भी सरफेस भीग जाती है। राइज एंड फॉल पढ़े होंगे आप कैपिलरी ट्यूब, तो ये होता है। ओके, कैपिलरी फ्रिंज हो गया। फिर देखते हैं इंटरमीडिएट जोन क्या होता है, इंटरमीडिएट जोन जो होती है वो सॉइल वाटर और इसके बीच में होगी, वो तो फिगर से ही देख ली। फिर थिकनेस ऑफ जोन एरिएशन इट्स कंसल्टेड सब जोन डिपेंड्स अपॉन सॉइल टेक्सचर, उसके सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करेगी उससे थिकनेस कैसी है। फिर ये इंपॉर्टेंट रहती है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए, और इरीगेशन इंजीनियरिंग में भी इसको हम इंटरमीडिएट जोन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो सैचुरेटेड फॉर्मेशन आता है, नीचे का जो बेड रॉक है इसको हम सैचुरेटेड फॉर्मेशन, यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है आपका सैचुरेटेड फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। तो सैचुरेटेड फॉर्मेशन को आपको चार भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें आपकी होती है एक्वाफर, फिर एक्वाटार्ड, फिर एक होता है एक्वाक्लूड और एक्वाफ्यूज होती है। तो इसमें क्या होता है,
जो इक्वफर होती हैं वो पानी, उनके पास जो है प्रेजेंट कुछ भी नहीं रहता, मतलब पानी कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि उसमें आप इसके एग्जांपल होते हैं आप ग्रेवल, इतनी भी मोटे करवा लिया हो बोल सकते हैं सैंड, ऐसे करके इसके एग्जांपल ले सकते हैं एक्वीफर में। तो ये जो होती है पानी को पास कर देती है, पास इजली करेगी, लेकिन इसके पास प्रेजेंट नहीं रहता पानी। इसके नीचे जो सरफेस होती है इक्वेटर, इसके पास पानी रहता है, तो ये वहाँ से खींच के इसको पानी को पास अच्छे से कर देती है। तो सैचुरेटेड फॉर्मेशन अर्थ मेटल वाज नॉट ओनली स्टोर्स, इसके पास स्टोर पानी नहीं रहता लेकिन सफिशियंट क्वांटिटी में ईल्ड करती, मतलब उत्पादन करती है पानी का, निकाल सकती है पानी, हाई परमेबल होती है ये। ओके, इसकी परमेबिलिटी बहुत अधिक होती है क्योंकि पोर्स बड़े बड़े, जब वो रहेंगे कड़ तो उसमें से पानी आसानी से पास हो जाए। फिर इक्वाटार्ड क्या होती है, इक्वाटार्ड का एग्जाम्पल होता है सैंडी क्ले, सैंडी क्ले मतलब पार्सली कह सकते हैं, मतलब पानी को निकालेगी पास करेगी लेकिन इसके रिसेप्ट में कम करेगी। ओके, तो इट इज़ फॉर्मेशन थ्रू सीपेज पॉसिबल, सीपेज पॉसिबल हो मतलब सीपेज जो पानी रिसता है उसको रिस जाएगा धीरे धीरे, लेकिन पास निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आसानी से हम पानी नहीं निकाल सकते, पार्सली परमेबल बोल सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल है सैंडी क्ले यूनिट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटार्ड। ओके, फिर आगे देखते हैं एक्वाक्लोड, एक्वाक्लोड का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्ले होता है। क्ले में क्या होगा, बहुत छोटे कण होते हैं तो ये पानी को पास नहीं करेगा, इम्परेबल इसको बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ जियोलॉजिकली फॉर्मेशन, और ये सारे आप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऐसा लिख देंगे ना एग्ज़ाम में तो टेक्निकल वर्ड हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले लिखिएगा इट इज़ अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज एसेंशियली इम्परमेबल टू द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब फ्लो ऑफ वाटर ये नहीं करेगा, इम्परमेबल रहता है क्योंकि क्ले रहेगी तो इम्परेबल स्वाभाविक सी बात रहेगी। फिर इट मे कंसिडर क्लोज टू वाटर मूवमेंट इवन मे कैन नॉट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यू टू हाई पोरोसिटी, क्लेजिंग द एग्जाम्पल ऑफ एक्वाक्लोड, मतलब पानी इसके पास बहुत रहता है लेकिन ये पास नहीं कर सकती पानी को। फिर एक्वा फ्यूज क्या होता है, एक्वा फ्यूज, फ्यूज मतलब क्या, जैसे बल्ब फ्यूज होता है काम का नहीं रहता, फ्यूज मतलब एकदम जो पानी को पास ही ना करे, मतलब रॉक, इसका एग्जाम्पल है रॉक। ओके, चट्टान बहुत कठोर कड़ होंगे, उनके पास पास होंगे तो जो है पोर्स उसमें नहीं होंगे, बहुत ही ना के बराबर, मतलब पोरस नॉर परमेबल, मतलब परमेबल नहीं होंगे, ना इधर पोरस, ना ही पोरस रहेगी ना ही परमेबल। तो जियोलॉजिकल फार्मस ना इधर पोरस नॉर परमेबल, तो ये आप एक कॉफीज ही यहाँ से देख लिए। इंटर कनेक्टेड ओपनिंग एनहेंसिड कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर, नो इंटर कनेक्टेड ओपनिंग, इसमें इंटर कनेक्टेड ओपनिंग होती नहीं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या करेंगे ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्राउंड वाटर के जो मेन इसके डिवाइड जो जोन्स में डिवाइड किया गया था वो हम यहाँ से पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं।